क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने गश्त के दौरान एक तड़ीपार को हथियार के साथ धर दबोचा। बिना अनुमति लिए वे शहर में आया था। पकड़ा गया आरोपी स्वागत नगर नई नरसाला निवासी अखिलेश श्याम सुंदर मिश्रा बताया गया है। यूनिट 4 की टीम बुधवार को बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान जानकारी मिली कि एक अपराधी हाथ में हथियार लेकर लोगों में दहशत निर्माण कर रहा है। खबर मिलते ही पुलिस बेसा के मिलिंद नगर में पहुंची। पुलिस को देखते ही अखिलेश भागने लगा। पीछा कर पुलिसकर्मियों ने उसे धर दबोचा और हथियार भी जब्त किया है। रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि DCP जोन 4 ने उसे 1 मार्च 2019 को 2 वर्ष के लिए शहर से तड़ीपार किया था। बिना अनुमति लिए उसने शहर में प्रवेश किया और हथियार लेकर उत्पात मचा रहा था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुप्त माहिती मिळाली की त्या नरसाळा भागामध्ये एक तडीपार आहे जो पुलिस हुडकळींच्या रेकॉर्डवर आहे आणि ज्याला झोन 4 DCP यांनी 2 वर्षाकरिता तडीपार केलेला आहे। तर या माहितीवरून आम्ही त्या माहितीची रेखी केली, खात्री केली आणि एक टीम सगळा सापळा रचून त्याला पकडलं। त्याला त्याचं नाव विचारलं असतं, तो अखिलेश श्यामसुंदर मिश्रा असं त्याचं नाव आहे आणि त्याच्यावर 5 गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये काही चोरीचे आहेत, काही जबरी चोरीचे आहेत आणि याला आम्ही वेपनसह पकडलेलं आहे। त्यामध्ये त्याच्याकडे एक धारदार चाकू मिळाला, त्याला आम्ही युनिट 4 आणलं, त्याची अधिक विचारपूस केली आणि त्यानंतर त्याच्यावर 425 हत्यार कायदा, त्याचप्रमाणे 142 135 BP Act त्याच्यावर कारवाई केली। आरोपी आणि मुद्देमाला सध्या बेलतुरी पोलिसांच्या आम्ही हवाला केलेला आहे आणि त्याच्यावर पुढील कारवाई बेलतुरी पोलीस करत आहे। यह कार्रवाई DCP गजानन राजमाने और SCP सुधीर नंदनवार के मार्गदर्शन में अन्य पुलिस स्टाफ ने की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।